भाजपा आलाकमान ने चुनावी रणनीति के चलते आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 39 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस सूची में महेश्वर विधानसभा से राजकुमार मेघ को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जिस दिन से भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की है उसी दिन से महेश्वर विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ता दोराहे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता राजकुमार मेघ का विरोध कर रहे हैं। पूर्व में मंडलेश्वर के मुख्य बस स्टैंड चौक पर राजकुमार का पुतला भी दहन हो चुका है। इसी कड़ी में रविवार को कार्यकर्ताओं ने राजकुमार मेघ के विरोध में विधानसभा स्तरीय बाइक रैली का आयोजन किया। रैली की शुरुआत कतर गांव से हुई, जो महेश्वर तहसील मुख्यालय पर संपन्न हुई। इस बाइक रैली में दो उप रैली में बाइक सवार कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। पहली उप रैली बालकवाड़ा से शुरू हुई, जिसमें बालकवाड़ा मंडल के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। ये रैली बागोद करही होते हुए कतर गांव पहुंची। बागोद एवं करही के कार्यकर्ता अपने अपने स्थान से रैली में सम्मिलित हुए। वही दूसरी उप रैली पिपलिया से शुरू हुई और कतर गांव पहुंची। महेश्वर एवं मंडलेश्वर मंडल के कार्यकर्ता भी कतर गांव से रैली में सम्मिलित हुए। 1000 से अधिक बाइक के साथ संयुक्त रैली कतर गांव से निकल कर नांद्रा, धरगांव, छोटी खरगोन, मंडलेश्वर होते हुए महेश्वर पहुंची। महेश्वर के पहले गौशाला से कार्यकर्ताओं की बाइक रैली बाईपास कमानी गेट के लिए मुड़ गई। वहां से बाजार चौक होते हुए महात्मा गांधी मार्ग से रैली जय स्तंभ चौक पहुंची। महात्मा गांधी मार्ग पर बाइक रैली बड़ी विशाल दिखाई दे रही थी। रैली का एक सिरा जय स्तंभ चौक पहुंचा तो आखिरी सिरा SBI पर था। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा गद्दार, नहीं चलेगा राजकुमार हटाओ, महेश्वर बचाओ जैसे नारे कार्यकर्ताओं ने रैली के मध्य आने वाले सभी नगरों में लगाए। राजकुमार मेघ विरोधी कार्यकर्ताओं की रैली जय स्तंभ चौक पहुंचती। उसके पूर्व राजकुमार मेघ समर्थक कार्यकर्ताओं की रैली भी DJ के साथ जय स्तंभ पर पहले पहुंच गई। मेघ समर्थकों ने नारेबाजी की शुरुआत की, तब तक मेघ विरोध कार्यकर्ता भी बाइक रैली लेकर जय स्तंभ चौक पर पहुंचे। दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष से नारेबाजी की। दोनों पक्षों के एक साथ जय स्तंभ चौक पहुंचने पर पुलिस प्रशासन को मशक्कत करना पड़ी। थोड़ी देर के उपरांत राजकुमार मेघ अपने समर्थकों के साथ वापस लौट गए। वही मेघ विरोधी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सहस्त्रधारा मार्ग स्थित नर्मदा भवन पहुंचे, जहां रैली का समापन हुआ। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सतीश मोयदे ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण से राजकुमार मेघ ने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी भूपेंद्र आर्य के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस की दा विजयलक्ष्मी साधो ने जीत हासिल की थी। तभी से भाजपा कार्यकर्ताओं के राजकुमार मेघ के विरोध की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जनपद चुनाव में भी राजकुमार ने बहुमत होने बावजूद भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को हार का मुंह दिखलाया था। वही करही, मंडलेश्वर एवं महेश्वर नगर परिषद चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी खड़े कर भाजपा प्रत्याशियों को हरवाने का प्रयास किया था, जिसमें वो बहुत हद तक सफल भी हुए थे। इन्हीं प्रमुख कारणों के चलते भाजपा कार्यकर्ता राजकुमार मेघ का विरोध कर रहे हैं। साथ ही मोयदे ने आगे बताया कि हमारी भाजपा आलाकमान से मांग है कि प्रत्याशी बदला जाए, अन्यथा आंदोलन और उग्र होगा। खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं पे ये एक आक्रोश का प्रदर्शन था। सब पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पार्टी में मेरे जैसे 50-50 साल से भी रह रहे हैं। हमारे बीच में गजानन सेठ जैसे आए, जो जनता पार्टी के और जनसंघ के पहले मंडल के विधानसभा के अध्यक्ष थे। मैं कभी लिस्ट का नाम गिनाऊं तो ऐसे सैकड़ों बुजुर्ग कार्यकर्ता भी हमारे साथ आ रहे हैं, और सिर्फ एक प्रकार से ये जबरदस्त उनका उनके साथ जो ये इस प्रकार की घटना घटी है, जो टिकट को लेकर जो स्थिति चल रही है उसको देखते हुए ये एक तरह से बहुत बड़ा भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं का ये अभियान है। मूल कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन करा है, इसमें जो है चारों मंडल के सारे कार्यकर्ता इसमें आ गए हैं। कई जिला पदाधिकारी हमारे साथ है, लगभग पूरे, और इसके बाद जिला पदाधिकारियों के अलावा जिला जनपद के तीनों सदस्य, चारों सदस्य हमारे साथ है, जनपद के 11 सदस्य हमारे साथ है, इस आक्रोश में हमारे साथ है। और जो चाहते हमने कोई भी गैरवाजिबी गैर कानूनी काम नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी के बैनर में चलकर भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान होने का प्रमाण दिया है कि हमारी मांग स्वीकार करी जाए। और ये है मैसर विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का मूल का आक्रोश, इसको आप अन्यथा
बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम बाहर से लाए कि भीतर से लाए, जिंदगी हमारी निकल गई। वो सारे सैकड़ों हजारों की कार्यकर्ता ने आज सड़क पे उतरे हैं सिर्फ इसलिए। क्यों विरोध हो रहा है? जबरदस्त विरोध हो रहा है, प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। प्रत्याशी के विरोध में यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार सड़क पे उतरी है। और ये जो माहौल चल रहा है, ये सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि प्रत्याशी का बदलाव होना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ये मूल कार्यकर्ता जो कि हर गांव में सैकड़ों की संख्या में है, जो कि महासागर बन सकता है, और हम जैसे लोग रोक रहे हैं कि आप इस्तीफा मत दो पार्टी से, पार्टी में उचित निर्णय आएगा, पार्टी में बहुत बढ़िया। हाँ, पार्टी किनको चाहते हैं आप? कोई भी हमारा जो चाहने वाला निर्णय है कि स्थानीय हो, हमारे यहाँ साथ में जो भी व्यक्ति आया है, जो भी हमारे साथ निष्ठा से कई प्रत्याशी घूम रहे हैं, जो पार्टी का सघन दौरा भी कर रहे हैं, भलाई समाज भी इससे वंचित रहा है, भलाई समाज का भी होना चाहिए। भलाई समाज का भी होना चाहिए। क्या राजकुमार को नहीं चाहते हो? राजकुमार का सवाल ये है कि राजकुमार को हम आज नहीं चाहते, हम ही है लाने वाले। और हम क्यों नहीं चाह रहे, इसका भी मूल कारण लोगों को पता है। जब भारतीय जनता पार्टी का वक्त आया था तो ये निर्दलीय के रूप में आपको सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के मूल लोगों को छाती पे ठेस लगी थी। जब ये कठोर हमने भी सहन करा था, और आज भारतीय जनता पार्टी इसको ले रही है। पार्टी का निर्णय जो था उसको हमने कोई वो नहीं करा उस वक्त विरोध, पर अब वो यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में ला रहे हैं, तो उसका ये आक्रोश है, ये जबरदस्त आक्रोश है। और मैं पार्टी में पुराना आदमी हूँ, और मेरे से भी बड़े बड़े पुराने आ गए हैं। ये नेताजी है, भीम सिंह चोहेल, और इनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी। धरगांव में राकेश भाई है, कई कार्यकर्ताओं के नाम बता सकता हूँ, तीसरी पीढ़ी के लोग है। ओंकार सिंह के पिता है। आज का जो ये विरोध था, इसमें विरोध में आपने क्या करा था? आज विरोध में जबरदस्त सब रैली निकाली। कहाँ से कहाँ तक विरोध रैली निकाली है? पूरा बलवाड़ा से, एक मिनट भैया बोल, बलवाड़ा से कतरगांव आए, पिपलिया वाले कतरगांव आए, और कतरगांव से सभी दूर होते हुए महेश्वर आए। भारतीय जनता पार्टी ने यदि इस उम्मीदवार को नहीं बदला तो क्या करेगी कार्यकर्ता? पूरा प्रयास करेंगे भारतीय जनता पार्टी। ये वो अमित शाह जी और उनकी पार्टी है, और सभी निष्ठावान सदस्यों के नीचे से सुनते हैं। आप विगत चुनावों में विधानसभा गुजरात के चुनावों में वो आपको परिदृश्य मालूम है कि इन वक्त पर क्या 14 क्या 16 प्रत्याशी। बहुत बढ़िया, हम भी यही चाहते हैं, टिकट कटे। 2018 में उसने पाप करा है, 2023 में हम भी पाप कर लेंगे, कोई पाप ही नहीं बन जाएगा। एक मिनट, बदलेगी पार्टी क्या? सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।